हेलो एवरीवन। तो आज मैं ये बना रही हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सैंडविच। वो भी बहुत ही चुटकियों में बन जाती है, 10-15 मिनट में तो सैंडविच तैयार हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने उबले हुए आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, आमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर, चिली फ्लेक्स और बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची, हरा धनिया और प्याज, और लास्ट में इसमें डाल देंगे चीज़। चीज़ डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो बिना चीज़ के भी ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। मेरे पास चीज़ था तो मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये सैंडविच में मेरे बच्चे के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ। कभी कभी ऐसे महीने में एक दो बार ऐसी सैंडविच बना लेती हूँ क्योंकि उसको बहुत ही पसंद आती है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस आलू को अच्छे से हमें पहले उबाल के लिए रख लेना है। आलू उबल जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ मैंने सारे मसाले और आलू को अच्छे से मिला दिया है। तो यहाँ हमारा सैंडविच का जो स्टफिंग है वो बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ ले लेंगे दो ब्रेड, एक ब्रेड में हम हरी चटनी लगाएंगे और दूसरी ब्रेड में लगाएंगे लहसुन की चटनी। अगर आपके पास लहसुन की चटनी नहीं है तो आप यहाँ टोमेटो केचप या सेजवान सॉस भी लगा सकते हैं। मेरे पास लहसुन की चटनी थी तो मैंने लगा लिया है और हरी चटनी तो मैंने स्पेशल इस सैंडविच के लिए बनाई है। तो बस मसाला जो है वो एक ब्रेड पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और एक दूसरी ब्रेड से हम उसको कवर कर देंगे। अब हम उसको सेक लेंगे। तो सेकने के लिए हम कढ़ाई में डाल देंगे मक्खन और ब्रेड को ऐसे, मतलब सैंडविच को ऐसे रख देंगे और दोनों साइड एकदम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। 3 से 4 बार हम उसको पलटेंगे, ऊपर थोड़ा सा ऐसे मक्खन लगाएंगे। हमारा जो मक्खन है वो फ्रिज में रखा हुआ है तो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो रहा है, तो बस इसको पलट देंगे। ऐसे 2-3 बार पलट कर एकदम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। ये सैंडविच बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को ज़्यादातर ये सैंडविच पसंद आती है क्योंकि इसमें आलू है तो बच्चों को आलू की रेसिपी सभी को पसंद आती है। तो बस यहाँ हमारी सैंडविच बन के तैयार हो चुकी है। आप उसे हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं।